नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक कमेंट के ऊपर ही है और कमेंट जो मुझे आया है एक मेल आईडी से कमेंट आया है, राम महेदुल करके कोई कमेंट इनकी मेल आईडी है, उससे कमेंट आया है। इनका कहना है कि अभी इनकी 48 की एज है, जो इनकी रिटायरमेंट की प्लानिंग है, रिटायरमेंट के बाद इनको 70 लाख रुपए की जरूरत है, तो उस टारगेट को कैसे ये अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से प्लान्स में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट से उस टारगेट तक ये पहुंच सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। समझने वाली बात यह है, क्या अगले 12 से 13 साल में SIP के थ्रू हम लोग 70 लाख का टारगेट अचीव कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो किस तरह से इसको अचीव किया जा सकता है, कौन कौन से प्लान्स बढ़िया रहेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी एज ग्रुप के लोग, इसी एज ग्रुप के लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, लगभग 50 55 साल के, 45 साल के, तो उनके मन में काफी सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन से प्लान्स इस एज ग्रुप के लिए बढ़िया रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि काफी लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी आपके मन में भी कोई डाउट चल रहा हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप भी बिल्कुल कमेंट मुझे कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक और चैनल भी है कहानीकार राहुल के नाम से, लोगो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहां भी मैं म्यूचुअल फंड से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूं, आप लोग वहां भी कमेंट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो भी मुझे भेज सकते हैं। चलिए बाकी बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए दोस्तों, हर एक एज ग्रुप के लिए हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी नहीं होती। देखिए, अगर हमारी एज कम है, हम लंबी अवधि के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो हम स्मॉल कैप का जो पोर्शन है अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमें उसी हिसाब से स्मॉल कैप का पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में कम करना चाहिए। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि हम अगर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को हम बढ़ा सकते हैं, और अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की अवधि कम है तो हम स्मॉल कैप को थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि स्मॉल कैप के फंड बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा हाई रिस्की होते हैं। अगर स्मॉल कैप के फंड्स रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं तो कई बार ये देखने में आया है मार्केट में कि उसकी कंडीशन ठीक होने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन अगर हमारे पास लंबी अवधि है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अप डाउन चलता रहेगा और लॉन्ग टाइम में ओवरऑल हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो आज की जो वीडियो में मैं समझाने वाला हूं, 48 की इनकी एज है तो स्मॉल कैप को कितना इनको रखना चाहिए, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो 12 से 13 साल का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टारगेट पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, टारगेट जो है इनका वो है 70 लाख रुपए का, 70 लाख रुपए का टारगेट है। कैसे अचीव ये किया जा सकता है वो समझते हैं। देखिए, SIP का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा लगभग 15,000 रुपीज पर मंथ। देखिए दोस्तों, यहां जो मैं स्कीम्स वगैरह आपको म्यूचुअल फंड की बताता हूं, देखिए म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सेफ साइड रहना चाहते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, फिर आप बैंक में RD वगैरह करा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, तभी आप म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े। चलिए आगे बात करते हैं कैटेगरी की। देखिए, स्मॉल कैप को 12-13 साल की ड्यूरेशन है, स्मॉल कैप को बिल्कुल यहां पर रखा जा सकता है, लेकिन कितना रखना है बात वो देखने वाली आ जाएगी। स्मॉल कैप को आप बहुत ज्यादा यहां पर ना रखें, ज्यादा से ज्यादा 3,000 से 4,000 रुपए आप स्मॉल कैप में रखें, इतना सफिशिएंट रहेगा। मतलब आप 15,000 का एक तरह से मान लीजिए 25 से 30% आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। स्मॉल कैप का अमाउंट में यहां लेकर चल रहा हूं 4,000 रुपीज पर मंथ, इतना इन्वेस्टमेंट आपके टारगेट के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब इन 4,000 रुपीज पर मंथ में आप दो प्लान यहां पर ले सकते हैं, आप एक निपॉन इंडिया को यहां पर रख सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, और सेकंड ऑप्शन में आप यहां पर SBI को कंसीडर कर सकते हैं। अगली कैटेगरी हमारी आ जाएगी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यहां भी आप देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अगर आप देखें, यहां आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा।
इस कैटेगरी को ऐड करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना है। ऐसा ना हो कि हम ज्यादा पैसा हाई रिस्क में ही इन्वेस्ट कर दें तो उससे पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं रहेगा। देखिए, हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि ज्यादा रिटर्न्स लेना बड़ी बात नहीं है, रिटर्न्स हमारे अच्छे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, रिटर्न्स में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप कभी भी पैसा विड्रॉल करें, ऐसा ना हो कि आपका पैसा नेगेटिव में चला जाए। इसलिए स्टेबिलिटी लाने के लिए पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 इंडेक्स जैसी कैटेगरी को भी ऐड करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में होगा। इन्वेस्ट तो ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल नहीं रहेंगे स्मॉल कैप के मुकाबले। अगर आप देखें, स्मॉल कैप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में, स्मॉल कैप को भी मैं कभी मना नहीं करता हूं, रखना चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज आप जरूर समझिए। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यहां आप 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, आप इसको 5 की जगह 4 भी कर सकते हैं। अमाउंट मैंने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि देखिए, रिटायरमेंट तक इनको पैसे का 12-13 साल में पैसा विड्रॉल करना ही करना है, ये उसकी ड्यूरेशन को और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसा एक फंड पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए जिसमें रिटर्न्स भले ही कम हो लेकिन स्टेबिलिटी रिटर्न्स में रहे। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000 रुपीज पर मंथ यहां SBI को रखा जा सकता है और UTI निफ्टी 50 को रखा जा सकता है। अगली कैटेगरी हमारी आ जाएगी फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप, अब फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्टमेंट जो आपका रहेगा वो रहेगा 4,000 रुपीज पर मंथ, इतना आप रख सकते हैं। फंड कौन सा रहेगा, आप पराग परिक को रख सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफी बढ़िया फंड है, रिटर्न्स पास्ट में काफी बढ़िया रहे हैं इस फंड के। सेकेंड ऑप्शन, आप यहां पर HDFC फ्लेक्सी कैप को भी रख सकते हैं, ये भी काफी बढ़िया फंड है। अगली कैटेगरी पर आ जाते हैं, अगली कैटेगरी हमारी आ जाएगी मिड कैप। मिड कैप कैटेगरी को आप यहां पर रख सकते हैं। मिड कैप में आप कौन कौन से फंड ले सकते हैं, देखिए मिड कैप में आप HDFC मिड कैप को रख सकते हैं। और हाँ, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना बचेगा मिड कैप में, 4 और 4 8 और 5 13 और 2 15, यहां पर आ जाएगा हमारा 2,000 रुपीज पर मंथ आपका मिड कैप में आ जाएगा। आप चाहें तो इसको फ्लेक्सी कैप को थोड़ा सा घटाकर इस पोर्शन को भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से भी इसको बैलेंस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको क्या कर लेते हैं, हम 3,000 रुपए कर सकते हैं, 3,000 हमारा यहां हो जाएगा और 3,000 रुपए हमारा मिड कैप में हो जाएगा। 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 हजार हमारे पूरे हो जाएंगे इस तरह से। तो यहां पर भी हम 3,000 रुपए रख सकते हैं। देखिए, दो फंड्स आप यहां रख सकते हैं और मिड कैप में भी आप दो फंड रख सकते हैं, आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड रख सकते हैं और एक आप कोटक को कंसिडर कर सकते हैं। कोटक भी काफी बढ़िया फंड है, एक्सपेंस रेशियो कोटक का काफी कम हमें देखने को मिला है। अब देखिए, ये पोर्टफोलियो आपका पूरी तरह से एक बैलेंस पोर्टफोलियो यहां देखने को मिलता है। देखिए, यहां मैंने कोई भी हाइब्रिड फंड ऐड नहीं किया है, रीजन है क्योंकि ड्यूरेशन हमारी इतनी भी कम नहीं है कि हमें हाइब्रिड को ऐड करना पड़े। हाइब्रिड फंड का मतलब है कि आपका पैसा डेट में भी इन्वेस्ट होगा और हाइब्रिड फंड में रिटर्न्स आपको प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले काफी कम देखने को मिलते हैं। अवधि हमारे पास 12-13 साल की है, तो इस 12-13 साल की अवधि में मेरे हिसाब से आप इस पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर आप इस पोर्टफोलियो को कंसिडर करते हैं, रिटर्न्स की मैं बात करूं स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो हमें लगभग 24 से 26% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। ये जो रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ, पास्ट के 10 ईयर्स के एक औसत रिटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। आप निफ्टी 50 में देखेंगे, यहां भी लगभग 13 से 14% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लगभग 20% तक के रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं और यही मिड कैप कैटेगरी में भी हमें लगभग 19 से 20% तक के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। देखिए, अब इन कैटेगरीज के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये रिटर्न्स हमें पास्ट में देखने को मिले हैं। तो अगर आप एक औसत रिटर्न की भी बात करें तो लगभग 18 से 19% के आसपास के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके टॉपिक पर कि आपकी 15,000 रुपए की जो SIP है, उस 15,000 रुपए की SIP से आपको फ्यूचर में कितना पैसा देखने को मिल सकता है।
देखिए एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेशन हम करके देखेंगे, लेकिन देखिए रिटर्न्स जो दोस्तों हमें मिले हैं, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी उतने ही रिटर्न्स मिलें। रिटर्न्स कम ज्यादा मार्केट में हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्ट आप जब भी म्यूचुअल फंड में करें अपने रिस्क टॉलरेंस का ध्यान जरूर रखें। देखिए टोटल एसआईपी अमाउंट हमारा 15,000 रुपए महीना है, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए औसत रिटर्न्स भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर 15% के रिटर्न रखता हूं, मान लीजिए हमें 15% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं 15,000 की एसआईपी से। ड्यूरेशन में यहां पर रख रहा हूं 13 ईयर्स की ड्यूरेशन। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो जाएगा और फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है? देखिए अगर आप चाहें तो इन एसआईपीज में एक स्टेप अप भी लगा सकते हैं। स्टेप अप लगाने से आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपना एसआईपी में इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये रिटर्न्स हैं आपके और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगले 13 साल में कितने रिटर्न्स हमें यहां से देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प हम जरूर लेंगे ताकि एक सही अमाउंट मैं आपको बता सकूं। चलिए एसआईपी कैलकुलेटर देखते हैं। और दोस्तों आपके मन में भी कोई किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग भी कमेंट किया कीजिए, रिप्लाई में आप लोगों को भी जरूर करूंगा। 15,000 की एसआईपी है, 15% के रिटर्न मैंने यहां जस्ट एग्जांपल के लिए रखे हैं और ड्यूरेशन रखी है 13 साल। टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 23,40,000 रुपए का। 23,40,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहां पर और जो फाइनली वैल्यू बन रही है वो बन रही है लगभग 72 लाख, लगभग 72 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। रिटर्न्स देखिए दोस्तों मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर रिटर्न्स नहीं रखे हैं, एक औसत रिटर्न्स मैंने रखे हैं जिसकी हाँ पॉसिबिलिटीज ज्यादा है मार्केट से मिलने की। इतने रिटर्न्स हमें पास्ट में भी देखने को मिले हैं, हमारे फंड का जो सिलेक्शन है वो भी काफी बढ़िया है, तो इतने रिटर्न्स हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए रिटर्न्स की म्यूचुअल फंड में कभी गारंटी नहीं होती, रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन रहता है, ये कम ज्यादा हो सकते हैं। रिटर्न्स बढ़ेंगे तो ये पैसा आपका और ज्यादा बढ़ेगा और रिटर्न्स अगर घटते हैं तो ये अमाउंट आपका घट भी सकता है। फिर भी मैंने कोशिश की है रिटर्न्स कम यहां पर रखकर चला हूं ताकि जो आपका टारगेट अमाउंट है वो कम रिटर्न्स से भी आप अचीव कर पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये 72 लाख रुपए का आप रिटायरमेंट के बाद कैसे निवेश म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, कहां आपको और बढ़िया आपको रिटर्न्स मिलेंगे, इसके थ्रू आप अगर पेंशन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आगे की प्लानिंग भी आपको जरूर बताऊंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पज वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।